हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप लोगों को जो है बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है नीट का 2020 का 3 मई को, तो ये जो है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो है कि अब जो है टाइम नहीं है कि थियोरीज को पढ़ा जाए और जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं उसको जो है क्वेश्चंस को बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से ही फ़ायदा होगा। और जो है कि जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं यूट्यूब के थ्रू, तो उस पर जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसमें मतलब 100% आपका आना चाहिए, तभी जाके नीट जैसे एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। तो इसके लिए मैंने पहले भी कुछ वीडियो डाले हैं, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द इंडियन वाइल्ड एज इज इन द कैटेगरी ऑफ डैश बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला है रेयर स्पीसीज, दूसरा है इनडेंजर्ड स्पीसीज, तीसरा है इंडेमिक स्पीसीज और चौथा है वल्नरेबल स्पीसीज। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, इनडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट जब हम यहाँ पे करेंगे तो पहला है फ्रॉम द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन सम ऑफ द इक्विटोरियल सेल फॉर्म रूट है, दूसरा है निमेटोफोर आर्सिन इन राइजोफोरा, तीसरा है एडवेंटिस रूट आर्सिन इन बनियान ट्री, चौथा है मेज एंड सुगर कैन हैव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना, जो सेकंड ऑप्शन है ये तो करेक्ट है, जैसे राजोपोरा जो है ना ये प्लांट है जो कि मार्सी एरिया में ग्रो करता है, और ये जो प्लांट है ना ऐसे ये जो प्लांट है ये हो गया, ये जो है कि मार्सी एरिया में ग्रो करता है, उसके रूट्स जो होते हैं उसको निमेटोफोर्स कहते हैं, और यहाँ पे निमेटोपोर होता है जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि जो भूमि होती है वो मार्सी होती है और साल्टी होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन बाहर से लेता है, एयर से लेता है, इसलिए इसके रूट्स जो है इस तरह से जो सैंडी मार्सी भूमि है से बाहर निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो तीसरा है ना ये एडवेंटिस बनियान ट्री जो होता है बरगद का पेड़, उसमें जो है प्रॉपर रूट एडवेंटिशियस रूट ये दोनों ही पाए जाती है, इसलिए ये दूसरा और तीसरा सही है। ये जो कह रहा है मेज और शुगर कैन ना, तो मेज और शुगर कैन में बस जो है कि एडवेंटिशियस रूट ही पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग टू द क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में वही फंगाई आते हैं ना जिनमें कि बेसिडियो कार्प बनता है और बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि फंगस को जो है ना मेनली टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे ही डिवाइड किया गया है, तो बर्ड नेस्ट फंगाई और पफबॉल्स में जो है बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, मतलब बेसिडियो कार्प बनता है और बेसिडियो कार्प में बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन 10 जीन ऑफ ड्वार्फनेस इन वीट वाज ओरिजिनेटेड इन। न्यूरॉन 10 जीन जो है वो जापान में डेवलप किया गया, जापान में। ठीक है, क्योंकि जो है व्हीट की जब स्टेम जो है शॉर्ट होगी तो उसमें ग्रेन्स जो है ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। द फर्स्ट क्लास ऑफ टेट्रापोड हैविंग कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट इज। तो जो टेट्रापोड्स होते हैं जैसे कि एम्फीबिया भी है, रेप्टाइल है, तो इनमें जो है एम्फीबिया में तक 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में 3.5, मतलब इनका चौथा चैम्बर जो होता है कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं होता है। एप्स में जो है, एप्स जो है वो पहले टेट्रापोड्स हैं जिनमें कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और मैमल्स में होता है, तो अर्लियर पूछा है तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। द वुड विथ लोअर डेंसिटी इज ए एंड द वुड विथ हायर डेंसिटी इज बी। तो ए और बी के स्थान पे हमें फिल करना है, तो ये यहाँ पे जो है लोअर डेंसिटी वुड जो है वो कौन सी होती है, वो स्प्रिंग वुड होती है, स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड भी कहते हैं, और हायर डेंसिटी वुड जो होती है वो जो है
की ऑटम मूड होती है, ठीक है, और जो स्प्रिंग मूड होती है उसको अर्ली वुड कहते हैं, और ये जो है स्प्रिंग वुड जो होती है ये डार्कर इन कलर होती है, और ऑटम मूड जो है लाइटर इन कलर होती है, ठीक है। तो लोअर डेंसिटी वुड जो है वो कौन सी हो गई, स्प्रिंग वुड, और हायर डेंसिटी ऑटम मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनो डिफिशियंसी मेक्स ए पर्सन हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, इट इज कॉज्ड बाय। तो कोई भी पर्सन है जिसमें कि इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है बी सेल और टी सेल दोनों की, तो वो हाईली ससेप्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, आर बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्किया। पहला है आर्किया रिजेंबल्स यूकेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट, दूसरा है आर्किया हैव सम नोबल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तीसरा है आर्किया कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, चौथा है आर्किया कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे फ्रेंड जो सेकंड स्टेटमेंट है, आर्किया हैव सम नोबल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 सेलुलर टोटिपोटेंसी वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। सेलुलर टोटिपोटेंसी जो है किसके द्वारा सबसे पहली बार डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था, तो यह जो है एफ सी स्टीवर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 फ्लैजला ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर्स इन, जो फ्लैजला होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के वो किस में डिफर होते हैं, तो वो जो है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट में डिफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 31 फ्लॉकुलेशन और कोएगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द, फ्लॉकुलेशन या कोएगुलेशन जो होता है प्रोटोप्लाज्म का वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है इंटरचेंजेबिलिटी बिटवीन सॉल एंड जेल स्टेट, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ स्कैटर दैट बीम ऑफ लाइट, तीसरा है इरेटिक जिगजैग मोमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स, चौथा है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू इंक्रीज इन साइज व्हेन दे लूज देयर चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना पहला ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज सॉल्युबल आरएनए। तो सॉल्युबल आरएनए कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विथ द कैटेगरी मेंशन्ड अगेंस्ट इट। तो थायमिन और यूरासिल जो होते हैं फ्रेंड्स पायरिमिडिन होते हैं, दूसरा ऑप्शन है यूरासिल और साइटोसिन, ये भी पायरिमिडिन्स होते हैं, तीसरा है गुआनिन एडिनिन प्यूरिन्स होते हैं, चौथा है एडिनिन और थायमिन प्यूरिन। तो फ्रेंड्स ये चौथा जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि एडिनिन और गुआनिन जो होते हैं प्यूरिन्स होते हैं, थायमिन जो होता है पायरिमिडिन होता है, और यहाँ पे मैच किया इसलिए ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन से माइक्रोब्स जो हैं सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं, तो ऑप्शन वन है हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, एसेरिचिया कोलाई और एग्डोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट इन टीआरएनए इज। एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट जो होता है टीआरएनए में वो कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स CCA इंड जो होता है वो एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होता है, और एंटी कोडॉन लूप जो होता है वो जो है कोडॉन से बाइंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में कौन सा एंजाइम जो है हेल्प करता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि परमिएज को हम ऐसे भी याद करते हैं कि जिसमें पोर हो,
तो वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 इन बोथ द सेक्सेस आपका क्रॉस द 10th सेगमेंट बियर ए बियर से पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं, एनल एनल सिराय कहते हैं, एनल सिराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्सप्लेन द बेल शेप्ड कर्व। कौन सा जो है कैरेक्टर जो है एक्सप्लेन करता है बेल शेप्ड कर्व को। ऑप्शन वन है द नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। दूसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर कंपेरेटिवली फ्यू। तीसरा है ग्रोथ इज जीरो। चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर कंपेरेटिवली फ्यू। तो जो बेल शेप्ड कर्व होता है ना फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स होते हैं आर कंपेरेटिवली फ्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, प्लाज्मिड आर सुटेबल वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज। प्लाज्मिड जो होते हैं वो जीन क्लोनिंग के लिए सुटेबल वेक्टर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, दीज आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद देयर ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइडिटी ऑफ बायोमेम्ब्रेन कैन बी ऑब्जर्व बाय। जो बायोमेम्ब्रेन होती है उसकी फ्लूइडिटी को हम किस माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा है टिश्यू कल्चर, तीसरा है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और चौथा है फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन इज। तो ग्लाइकोजन का रिपीटिंग यूनिट जो होता है ग्लूकोज होता है, ये तो सबको पता होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग अफेक्ट फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम का जो फीडबैक इनहिबिशन होता है वो किसके द्वारा होता है। फीडबैक इनहिबिशन यही होता है कि जब कोई सबस्ट्रेट है और उस पर जो है एंजाइम जो है वर्क करता है, ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम है तो जब ये वर्क करता है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, और जब ये प्रोडक्ट जितनी अमाउंट में चाहिए उतना बन जाता है तो ये खुद जो है जाके एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट इज कंडक्टेड टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ। तो यह बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट जो होता है किसके प्रेजेंस को कंफर्म करता है। तो फ्रेंड्स यह जो है रिड्यूसिंग शुगर के प्रेजेंस को, पॉलीसेकेराइड्स के लिए जो होता है कौन सा टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 44, एन एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन इज। फीडबैक इनहिबिशन का एग्जांपल कौन सा है। तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 45, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कास्ट बाय ए स्पीसीज ऑफ द जीनस। ब्लैक रस्ट जो होता है वो किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, तो यह पक्सिनिया के द्वारा होता है, पक्सिनिया ग्रैमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गिवन बिलो इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। गिवन बिलो जो है यह किसका फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ कार्बन्स देखते हैं तो ये 14 और 1 15 हो गया। तो जो 15 कार्बन का जो एसिड होता है वो जो होता है उसको पॉमिटिक एसिड कहते हैं, 16 कार्बन का जो होता है उसको स्टेरिक एसिड कहते हैं। एक ग्लिसरॉल 3 कार्बन होता है और गैलेक्टोज जो होता है वो 6 कार्बन होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स आर एमिनो एसिड। तो फ्रेंड्स ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। एमिनो एसिड का जो है बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन्स का, और लिपिड्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो ग्लिसराल प्लस एसिड होते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम कंटेन ए नॉन प्रोटीन पार्ट कॉल द प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है द थायलेकॉइड आर अरेंज्ड ऑन एबव द अदर लाइक ए स्टॉक ऑफ क्वाइन फॉर्मिंग ए ग्रेनम, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है क्रॉसिंग ओवर अकर एट पॉलीटीन स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 48, इनवेलप्ड वायरस इंटर इनटू होस्ट सेल्स बाय, इनवेलप्ड वायरस जो होता है वो इंटर करता है होस्ट सेल्स में कैसे। पहला है ऑप्शन इंजेक्टिंग ओन न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द होस्ट सेल, दूसरा है कॉन्टेक्ट विथ सेल रिसेप्टर एंड इंडोसाइटोसिस, थर्ड है फेगोसाइटोसिस, चौथा है फ्यूजन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फोर जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ग्रेटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, जो ग्रेटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन है रेन, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। तो प्राइमरी ग्रेटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होने के लिए रेन और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट दोनों ही जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंटीसेल फनल एक्सपेरिमेंट व्हाट विल हैपन इफ शुगर सॉल्यूशन इज एडेड टू ए बीकर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप्स, जब प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा। द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन थिसल फनल विल राइज अप, दूसरा है द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन थिसल फनल विल लोअर डाउन, तीसरा है द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन बीकर विल ड्रॉप, चौथा है द लेवल ऑफ सॉल्यूशन रिमेन अनअफेक्टेड बाय इन द बीकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी एंड प्लांट सेल आर केप्ट इन डिस्टिल्ड वाटर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज सेम इन बोथ द सेल्स, ऑब्जर्व द चेंज इन बोथ द सेल्स। तो आरबीसी सेल को और प्लांट सेल को जब हम डिस्टिल्ड वाटर में रखेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन वन है बोथ प्लांट सेल एंड आरबीसी वुड नॉट अंडरगो एनी चेंज, ऑप्शन टू है द आरबीसी वुड इंक्रीज इन साइज एंड बर्स्ट व्हाइल द प्लांट सेल वुड रिमेन अबाउट द सेम साइज, थर्ड है द प्लांट सेल वुड इंक्रीज इन साइज एंड बर्स्ट व्हाइल द आरबीसी वुड रिमेन अबाउट द सेम साइज, तीसरा है बोथ प्लांट सेल एंड आरबीसी वुड डिक्रीज इन साइज एंड कोलैप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऑप्शन टू ये करेक्ट हो जाएगा। आरबीसी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जो है वाटर उसके अंदर इंटर करेगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही लो होता है और आरबीसी सेल के अंदर का कंसंट्रेशन हाई होता है, तो इसलिए वो जो है साइज में इंक्रीज होगा और बस्ट हो जाएगा, जबकि प्लांट सेल जो है उसके चारों तरफ जो है कि सेल वाल होती है वाटर उसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा और वो जो है सेम साइज की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, व्हाई लेग्यूमिनस लेग्यूम सीड इम्बाइब मोर वाटर देन एनी अदर सीड व्हेन केप्ट इन वाटर, जब हम लेग्यूमिनस सीड को जैसे कि ग्रैम हो गया या कोई भी लेग्यूमिनस सीड जो होते हैं जो कि चने होते हैं या फिर जो राजमा होता है ये सारे लेग्यूमिनस सीड हैं, या पीज हो गए तो जब ड्राई पीज हो गए तो जब हम इनको जो है वाटर में रखते हैं तो ये ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं देन एनी अदर सीड। तो ऑप्शन वन है इम्बिबिशन कैपेसिटी ऑफ प्रोटीन इज मोर देन दैट ऑफ स्टार्च, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ लेस हाइड्रोफिलिक कोलाइड इन स्टार्च कंटेनिंग ग्रेन्स, तीसरा है सेल मेम्ब्रेन ऑफ लेग्यूमिन सीड इज मोर परमिएबल, चौथा है सेल मेम्ब्रेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सीड इज लेस परमिएबल। ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन टू ये करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ लेस हाइड्रोफिलिक कोलाइड इन स्टार्च कंटेनिंग सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, द एब्डोमेन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, मेल और फीमेल के जो एब्डोमेन होते हैं वो कितने सेगमेंट्स के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये 10 सेगमेंट्स के बने होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व टाइगर पॉपुलेशन इज फाउंड इन, तो वैसे यहाँ पे है सुंदर नेशनल पार्क, दूसरा है कार्बेट नेशनल पार्क, तीसरा है रणथंभौर नेशनल पार्क और चौथा है कान्हा नेशनल पार्क।
ऑप्शन यहाँ पे सुंदर वन नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन इस समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, मैच द फॉलोइंग कॉलम। M13 बैक्टीरियोफेज में जो होता है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, राइस वायरस में जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कलीफ्लेज मोज़ेक वायरस में जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड, पोलियो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वन है डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉटिलेडन्स, दूसरा है सिको ए जिम्नोस्पर्म इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, तीसरा है फ्यू फाइसी मेंबर पोसेस क्लोरोफिल ए सी कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल्स, चौथा है मोसेस इज गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज नेमली प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज। मैं यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉटिलेडन्स, तो यहाँ पे ऑप्शन वन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, माइकोराइजा प्रमोट्स द प्लांट ग्रोथ। माइकोराइजा जो है प्लांट ग्रोथ को कैसे प्रमोट करता है। ऑप्शन वन है एब्जॉर्बिंग इनऑर्गेनिक आयन फ्रॉम द सॉयल, ऑप्शन टू है हेल्पिंग द प्लांट इन यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तीसरा है प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन, चौथा है सर्विंग एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यहाँ पे ऑप्शन वन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग इन ऑर्गेनिक आयन फ्रॉम द सॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द साइंटिफिक वर्क एक्सटेंसिवली ऑन क्लोरोफिलस एंड नॉन क्लोरोफिलस टैलोफाइट्स रिस्पेक्टिवली। साइंटिस्ट जिसने ज़्यादा वर्क किया क्लोरोफिलस और नॉन क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स पे वो हैं एंगर एंड द मेहता, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। कॉलम वन को कॉलम टू से जब हम मैच करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या होगा, कोलियोराइजा जो होता है वो क्या होते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल होता है, एपोकैमी जो होता है वो क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ गैमेट, तीसरा जो है इंड्यूसियम जो होता है प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ सोरस होता है, और कॉडेक्स जो होता है कॉडेक्स यह जो है कि अन अनब्रांच्ड कॉलमनर स्टेम विद क्राउन ऑफ लीव्स होता है। तो इस फ्रेंड्स जब मैच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन टू जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एनिमल सो कैप्रोफैगी। कैप्रोफैगी जो है किस एनिमल के द्वारा सो किया जाता है, तो यह जो है रैबिट के द्वारा सो किया जाता है कैप्रोफैगी। तो फ्रेंड्स ये जो थे 40 क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस, ये आपके लिए ज़रूर से हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके थैंक।